गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपकी क्लास में लाइव क्लास चल रही है। आपकी क्लास के लिए, आपके बेनिफिट के लिए लाइव क्लासेस लगाई गई हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना बेनिफिट देख ही नहीं रहे हैं। आप पूरी स्ट्रेंथ में से सिर्फ 2 बच्चे आते हैं क्लास में, कभी 3 बच्चे आते हैं, उससे ज़्यादा कभी कोई बच्चे आते ही नहीं, ठीक है? तो ये आप लोग ऐसा मत करिए, रेगुलर अपना क्लास में आइए। आप लोग सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बेटा, ऐसा नहीं होता। रिकॉर्डेड क्लास के जरिए हम आप नहीं पढ़ सकते कंप्लीट, ठीक है? तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे, और क्लास में आएंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तनुज, तनुज बेटा, आपने जो आज क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करके मुझे दिए हैं, आपको नहीं लगता वो क्वेश्चंस कल मैंने क्लास में आपको करा दिए थे? आप लोग फाइंड आउट करिए वो क्वेश्चन आंसर जो मैंने कवर नहीं करवाए। एक्सरसाइज में से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं, उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की ट्राई करिए, मैंने ये बोला, ठीक है? तो कल तक हम हमारे क्वेश्चंस कर चुके थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट। बस हमारे 2 क्वेश्चन थे जो हमारे लोन के एक्सरसाइज में रहते थे, ठीक है? जिसमें हमें बताना था कि वित्तीय विधेयक कैसे पारित होता है और साधारण विधेयक। 2 क्वेश्चन ये थे, वित्तीय विधेयक कैसे पारित होता है, साधारण विधेयक कैसे पारित होता है। और कुछ इस इन लेसन में से मेरे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने बना दिए छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि आपकी PDF मैंने सेंड कर दी है स्कूल ऐप पर, ठीक है? आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जब लिखेंगे वो स्कूल ऐप में से आप अपना देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जस्ट अभी समझा देती हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स। बेटा, बस मैं यही बोलूंगी कि आप लोग रेगुलर क्लास में आइए, रेगुलर अपना पढ़िए, ठीक है? जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो। हाँ जी तनुज बेटा, आपको दिख रही है PDF शो हो रहा है क्वेश्चन? तनुज, यस मैम, यस मैम, तनुज मैम आ रही है मेरी। बेटा, PDF शो हो रहा है आपको? हाँ यस मैम, जी। और आपके साथ लक्षिता है क्लास में या वो नहीं आई आज? मैम अच्छा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी करा दिए थे, और आपको PDF क्लियर दिख रही है बेटा? क्लियर अच्छी दिख रही है। नहीं दिख रही? अब क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्लियर? बताइए, ठीक है? जो हमारा 5th क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, उसमें हमारा जो 5th क्वेश्चन था, एक मिनट बेटा, बेटा 4th क्वेश्चन आपका रह गया है, संघीय संसद की विधायी शक्तियां, वो हो गया है। ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 5th है, ठीक है? साधारण विधेयक वाला ये आंसर नंबर 5th है, तो इसको आप आंसर नंबर 5th लिख लेंगे, ठीक है? वो एक बाय मिस्टेक आपका 4th आंसर रह गया है, वो मैं आपको कल करा दूंगी, अभी आप ये देख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को पारित करने के लिए संघीय संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करें। मतलब कि जो साधारण विधेयक है वो संसद द्वारा कैसे पारित की जाती है, कैसे पास की जाती है। देखिए, साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो वित्तीय विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, बाकी के जो साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन, मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी पेश किया जा सकता है। परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व इसका दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। मतलब बेटा कि फाइनल डिसीजन आप लोगों को पता है वो राष्ट्रपति लेता है, वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी करता है अपनी, है ना?
लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति तक जब ही जाएगा जब वो दोनों सदनों में से पास होकर निकल जाएगा, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में से। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। मतलब कि बेटा जब ये विधेयक चल रहा है, इस पे काम चल रहा है और लेट हो रहा होता है या फिर काम ढंग से नहीं चल रहा होता, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस विधेयक पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, रुकावटें आ रही है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? दोनों संसदन का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, उनका संयुक्त अधिवेशन मतलब कि दोनों को साथ मीटिंग के लिए बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब बुलाएगा राष्ट्रपति दोनों की, किस किस की, राज्यसभा की और लोकसभा की, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता मतलब कि उस मीटिंग का हेड कौन रहेगा? हमारा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यदि इस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत इस विधेयक को पारित कर देता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। मतलब कि बेटा जब वो अधिवेशन चल रहा है, किसका? संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का साथ। ठीक है, तो उस टाइम जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, किस किस के, जो राज्यसभा के हैं और जो लोकसभा के हैं, वो साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अगर वो सभी उस अधिवेशन पर अपना बहुमत, मतलब कि 50-50 नहीं, मतलब कि 50 से ज्यादा जिसको बोला जाता है, 3/4 अगर बहुमत उसको मिल जाता है तो वो सदन, वो अधिवेशन, वो विधेयक पास कर दिया जाता है, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगनी होती है। मैं आप लोगों को रेगुलरिटी से बता रही हूँ कि लोकसभा की सदस्य की संख्या 545 मतलब 545 और राज्यसभा की होती है बेटा 245। ठीक है, लोकसभा की ज्यादा होती है, लगभग लगा लो दो गुनी होती है राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की कितनी होती है 245 और लोकसभा की कितनी होती है 545। तो आप लोगों को भी पता है ज्यादा वोट किसमें से आएंगे? ज्यादा वोट आएंगे लोकसभा के। ठीक है, तो अगर लोकसभा के लोगों ने ज्यादा वोट दे दिए तो इसका मतलब ये है वो अधिवेशन पास कर दिया, वो विधेयक पास कर दिया जाता है। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की राय ही निर्णायक होती है। मतलब कि ज्यादा संख्या किसकी है? लोकसभा की। तो ज्यादा किसके बारे में देखा जाएगा? लोकसभा के सदस्यों के बारे में, है ना। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसी निर्णय को मान लिया जाता है। समझ आ गया क्वेश्चन? बेटा ये आंसर आपका आगे फोर्थ लिखा हुआ है लेकिन ये आंसर फोर्थ नहीं है, ये आंसर। हाँ जी, ये है, ये आंसर नंबर फोर्थ नहीं है, ये है आंसर नंबर, एक मिनट इसको मैं कर देती हूँ। एक मिनट इसको कैसे करूं मैं आंसर नंबर फिफ्थ। ठीक है, ये आंसर नंबर हमारा फिफ्थ है। ठीक है, हाँ जी, बेटा एक मिनट रुकिए, उसको दोबारा से शेयर करना होगा। हाँ जी, अब देखो बेटा आपको आंसर नंबर फिफ्थ दिख गया ना, ये आंसर नंबर फिफ्थ है, आंसर नंबर फोर्थ नहीं है, आंसर नंबर फिफ्थ को कल दे दूंगी। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है बेटा?
वित्तीय विधेयक को पारित करने के लिए, मतलब कि जो हमारा बजट है, जो हमारा धन से संबंधित विधेयक है, वो कहाँ पेश किया जाता है बेटा तनुज? एक ऐसा विधेयक होता है जो सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया जाता है? वित्तीय विधेयक बेटा। वित्तीय विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। विधेयक हमने दो प्रकार के पढ़े, कौन कौन से? साधारण और वित्तीय। साधारण विधेयक तो कहीं भी पेश किया जा सकता है, मतलब कि सदन, किसी भी सदन में, राज्यसभा में भी कर दो या लोकसभा में भी कर दो, लेकिन वित्तीय विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, देखिए वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्तीय विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी हेतु भेजा जाता है, मतलब कि पास तो कहाँ हो जाएगा, वो लोकसभा में ही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में ही उसमें चेंजेस किए जाएंगे, लोकसभा के द्वारा ही पास हो जाएगा, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेने के लिए पहले एक और स्टेज से होकर निकलना पड़ेगा और वो है राज्यसभा। ठीक है, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, सिर्फ वहां पर उसको हाँ मिलनी होती है कि ठीक है। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह वित्तीय विधेयक को अपनी मंजूरी के साथ साथ 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को वापस भेजे, मतलब कि बेटा जो राज्यसभा है उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो वित्तीय विधेयक को अपने पास सिर्फ 14 दिन के लिए रख सकता है, सिर्फ 14 दिन के लिए, 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उस पर मंजूरी देकर उसको आगे भेजना, मतलब वापस लोकसभा में भेजना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की किसी भी मंजूरी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मतलब बेटा ऐसा होता है कि जैसे अब हमने मैं आगे किसी डिपार्टमेंट में भेजा, मतलब कि लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा, तो राज्यसभा क्या करेगा, या तो उसको एज इट इज पास कर देगा, और अगर एज इट इज पास नहीं करेगा तो उसमें कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अगर उसमें चेंजेस करता है ना राज्यसभा, तो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो चेंजेस को अपनाए या ना अपनाए। इसीलिए लिखा गया है लोकसभा राज्यसभा की किसी भी मंजूरी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, मतलब कि या तो वो चेंजेस को अपना लेगा या फिर उस चेंजेस को डिनाई कर देगा, मतलब कि अस्वीकार कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वित्तीय विधेयक पर पूरा का पूरा हक किसका है? लोकसभा का। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा यदि राज्यसभा की मंजूरी को अस्वीकार करता है तो वित्तीय विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ माना जाएगा जिसे लोकसभा में पारित किया गया था। किया गया था आएगा, ठीक है, किया था मतलब कि जो पहले किया था, मतलब कि बेटा जब लोकसभा ने पहली पहली बार राज्यसभा को विधेयक भेजा था, है ना, फिर क्या हुआ, राज्यसभा ने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वापस लोकसभा में भेजा। तो डिपेंड करता है लोकसभा पे कि लोकसभा उसको मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। अगर मना कर देता है कि मुझे ये चेंजेस पसंद नहीं आए जो राज्यसभा ने किए हैं, तो जो लोकसभा ने पहले पहले भेजा था बनाकर उसी को ही पास कर सकता है, उसी को कह देगा कि बस वही पास होना चाहिए जो मैंने पहले पहले बनाया था, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत ही नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को पेश वापिस नहीं भेजती तो उस स्थिति में 14 दिन समाप्त होते ही दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। मतलब कि अभी हमने ये पढ़ा कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, वापिस भेजेगा, है ना, लोकसभा को 14 दिन के अंदर अंदर वापिस भेजेगा। लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजती तो जो लोकसभा ने पहले भेजा था वो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं करे या वापस नहीं भेजे या फिर जो भी चीजें, तो वो ऑटोमेटिक ही लागू हो जाता है। ठीक है, ये लोकसभा की बेटा विशेष अधिकार है जो ये लोकसभा को मिले हुए हैं, बाकी किसी को भी नहीं मिले हुए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक का अनुमोदन करने से मना नहीं कर सकता, मतलब कि जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा ने आगे भेजा है राष्ट्रपति के पास में, तो वो उसको मना ही नहीं कर सकता, उसको
मजबूर होकर उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति है वो एक सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति है, प्रथम पुरुष है। उसकी सारी शक्तियों का और सारे कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी मंजूरी, अपनी मन की इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता, वो जो भी काम करेगा वो सलाह मशवरा लेकर ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, एक आपका लॉन्ग फोर्थ क्वेश्चन रहता है, संघीय संसद की विधायी शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है बेटा। संघीय ये आपका एक रहता है बेटा, तो ये मैं आप लोगों को कल सेंड कर दूंगी, ठीक है। आज ये बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे रह गया, दिखा नहीं क्या सिस्टम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैं कल आपको सेंड कर दूंगी क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे अन्य प्रश्न बन रहे थे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वन वन लाइन के, वो मैंने आप हाँ जी हाँ जी, ये कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। प्रश्न है विधायक कौन होते हैं, आंसर आएगा विधानसभा के सदस्यों को विधायक मतलब एमएलए कहा जाता है बेटा। ये आप लोगों ने भी सुना होगा एमएलए है, एमएलए है, ठीक है। और अपने अपने जो विधानसभा होती है ना बेटा, वो अपने अपने राज्यों की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है, ठीक है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, समझ आ गई। तो बेटा ये, और आई थिंक राजस्थान की 120 कुछ समथिंग, 125 समथिंग कुछ सीटें हैं। तो ये अपने अपने राज्यों की, मतलब कि हर 28 राज्य हैं तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। तो अब विधानसभा के जितने भी सदस्य, मतलब कि हर स्टेट में, हर राज्यों में विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है विधायक मतलब कि एमएलए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बेटा आप लोगों को बार बार मैंने क्वेश्चन लेस उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था, रीड हो रहा था, उसमें भी मैं आपको बताती आ रही थी कि राज्यसभा का सभापति होता है बेटा उपराष्ट्रपति, और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताएं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो है बेटा ओम बिड़ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, मतलब कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को अपनी इच्छा से चुनता है। बेटा लोकसभा के 2 सदस्यों को चुनता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को चुनता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा लोकसभा व राज्यसभा का कार्य कितना होता है, लोकसभा का होता है 5 वर्ष का, ठीक है, और 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि लोकसभा कंटिन्यूसली 5 साल नहीं चलती, बीच बीच में कई बार ऐसे कारण आ जाते हैं जिससे कि देश पर कोई आक्रमण हो जाना, या फिर सरकार सही तरीके से काम ना करना, या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना जिसकी वजह से क्या होता है लोकसभा का कार्यकाल भंग कर दिया जाता है, मतलब कि बीच में ही रोक दिया जाता है। 5 साल की अवधि का मतलब है कंटिन्यूस 5 साल चलना, लेकिन लोकसभा का क्या होता है बेटा 5 साल न चलकर बीच में कभी कभी लेट भी हो जाता, मतलब कि ये होता है कि बीच में बंद भी करवाना पड़ सकता है उसको, ठीक है। कंटिन्यूसली 5 साल नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में बंद हो जाता है। और 6 और राज्यसभा का होता है बेटा 6 वर्ष का, जो कि कंटिन्यूसली चलता है, मतलब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और ना ही आज तक हुई है राज्यसभा भंग, ठीक है। 6th क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम सदस्य मतलब लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने हैं और अभी कितने हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा तो लोकसभा में हो सकते हैं 550 मतलब 550, और जो इस टाइम है वो है 545, और अगर मतलब 545 ही आपको याद करना है। वैसे आप लोगों को एक जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ बेटा, लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, वो इस टाइम हमारे देश में पद रिक्त हैं, मतलब खाली हैं, मतलब कि हमारे इस टाइम पे अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए
तो 543 भरी हुई है और दो खाली है, और वो जो दो खाली है वो है एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी है। आ गई बात दो, और ये दो इस टाइम रिक्त है, मतलब कि दो खाली हैं, इनकी जगह पे अभी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, मतलब लास्ट लिमिट कितनी है और इस टाइम कितनी है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 250, मतलब 250, और जो इस टाइम है वो है सिर्फ बेटा 245, ठीक है, 245। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। प्रत्यक्ष का मीनिंग होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मीनिंग है कि आपने डायरेक्ट चुनाव दिए, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट टच करना, मतलब कि हमने डायरेक्ट सोफे को टच किया, है ना, ये हो गया डायरेक्ट टच करना। तो ऐसे ही बेटा जनता के द्वारा सीधा मत देना प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहती है, मतलब कि जनता डायरेक्ट वोट देगी और अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, वो होती है क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनती है, कौन, जनता, ठीक है, मतलब अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के लिए कौन वोट देती है, जनता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अभी हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट। देखिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब कि अभी हमने प्रत्यक्ष में बेटा ऊपर पढ़ा था ना जनता सीधा मत देती है ना, तो क्या करती है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है प्रत्यक्ष में। अब उसको उठा के लिया नीचे कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनेगी, मतलब कि हमने पहले जिनको वोट दे दिया, अब उनकी बारी है आगे वोट देने की, ठीक है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाने वाला चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहलाता है, मतलब कि हमने पहले चुने लोकसभा के, हमारा काम खत्म, तो अब क्या काम शुरू होता है कि हमने लोकसभा के चुने, तो लोकसभा के सदस्य जो हमने चुने हैं अब वो लोग आगे वोट करेंगे राज्यसभा के लिए, ठीक है, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तनु समझ आया बेटा आपको? बेटा आपको ये पेज नहीं दिख रहा, फिर क्या दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं बेटा, आपको अगर पेज नहीं दिख रहा तो इट्स ओके, आप अगर अपना पीडीएफ ऑन करेंगे, हाँ जी तनुज, अगर आप अपना पीडीएफ ऑन करेंगे अपनी ऐप में तो आपको अपनी ऐप में मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है बेटा, आपको ऐप में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप अपना ऐप से ये क्वेश्चंस करेंगे। बाकी का जो मैंने आपको समझाया है समझ आ गया, ठीक है। और आप ये भी याद रखेंगे कि लॉन्ग आंसर्स का जो फोर्थ आंसर है वो रह गया है, लक्षिता बेटा आपने, लक्षिता, तो जो फोर्थ है वो आपका भी रह गया है लॉन्ग का, वो मैं आप लोगों को कल करा दूंगी। आज हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड है सिविक्स का वो कंप्लीट हो गया है। लक्षिता, हाँ जी बेटा लक्षिता, आपने कितने क्वेश्चन समझे यार? लक्षिता हाँ कोई बात नहीं, तो आप शाम को रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्ट समझ लेना। हाँ बेटा कोई इश्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सभी कंफ्यूजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लक्षिता बेटा ये ध्यान रखिएगा, आपको जो आज पीडीएफ मैंने सेंड करी है उसमें आपको आंसर नंबर फोर्थ सेंड किया है, तो बेटा वो आंसर नंबर फोर्थ नहीं है, वो आंसर नंबर फिफ्थ है, ठीक है, आंसर नंबर फोर्थ आपका रिमेनिंग है, बच गया, वो बाय मिस्टेक रह गया है, तो वो मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगी, आपका आंसर नंबर फिफ्थ वो मेरे को फोर्थ वो कल दे दूंगी, जो आज आपको फोर्थ के नाम से आंसर आया हुआ है वो आपका फिफ्थ आंसर है, ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर आंसर है वो आपका सिक्स्थ आंसर है, ठीक है।
हाँ, तो फोर्थ आपका बच गया है, वो मैं आप लोगों को कल करा दूंगी। आज की क्लास इतनी है क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो आज हम इतना ही सफिशिएंट करते हैं। आप लोग ज्यादा पजल मत होइए, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर आज आप लीव कर जाइए। ओके बेटा। हाँ जी लक्षिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? नहीं बेटा, आपका इंचार्ज मुझे नहीं पता, बट इंचार्ज का नहीं पता, लेकिन कुछ ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं। आई थिंक लक्षिता आप उसमें हो, मेरे में हो। हाँ बेटा, ठीक है, ओके बच्चे, लीव कर दीजिए।